नमस्कार दोस्तों, इस एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए या नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, पब्लिक जरूर कीजिए, हमारा सहयोग की जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन बटन ही होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन का काम करता है। तो आपके लिए HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी जो पोस्ट आई है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आज से इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिस होने वाली है। जो कि यहाँ पर HKRN गूगल पर सर्च करोगे हरियाणा कौशल रोजगार, तो आपको यहाँ पर यह पोर्टल देखने को मिल जाएगा। इसमें जॉब एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जॉब की पूरी अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। ये 21-22 तरह की पोस्टें हैं जी, अलग अलग 22 जिलों में पोस्टें हैं। तो ये सारी की सारी पोस्टें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे MTS की पोस्टें हैं, पैरा प्लानिंग की एसोसिएट की पोस्टें हैं, 10वीं 10th 5वीं बेस पर भी है, जैसे म्यूजियम कीपर की, डार्क रूम अटेंडेंट की, ठीक है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन APRO की पोस्ट है, तो और MTS की पोस्ट ब्लॉक क्लस्टर की ग्रेजुएशन बेस पर है, प्लस एक्सपीरियंस मांगा है, 8वीं 10वीं बेस पर है, चौकीदार कम्बाली की 10वीं बेस पर है, वाटर कैरियर कुक की, पटवारी की ग्रेजुएशन बेस पर है, 5वीं बेस पर गार्डनर और स्वीपिंग की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी की 12वीं बेस पर अलमद की पोस्ट है, 10वीं बेस पर पंचकर्मा थेरेपिस्ट की पोस्ट है, और 10वीं बेस पर ही किचन असिस्टेंट की पोस्ट है। इस तरह ये ITI बेस पर भी पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है यानी कि रजिस्ट्रेशन अपना आपका ऑलरेडी है, तो आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है जी। ऐसे मान लीजिए मैं फ्रेशर के तौर पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरी फैमिली आईडी पहचान पत्र पूछेगा, उसके बाद फैमिली आईडी डिस्प्ले मेंबर कर देगा, मेंबर डिस्प्ले होने के बाद जो भी नाम होगा मेरा, उस नाम पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर जो हेड मेंबर का होगा, फैमिली मेंबर का हेड का जिसका भी मोबाइल नंबर होगा, उस पर OTP ऑथेंटिकेशन मांगेगा। ऑथेंटिकेशन करने के बाद सारा रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर पाओगे, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लॉगिन का। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कभी किया है तो सिंपली आपने लॉगिन करना है, जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया वो नंबर फिलअप कीजिए, लॉगिन पर क्लिक कीजिए और सीधा डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आपका बायोडाटा बना हुआ है, ठीक है। और इसमें चीज़ बता दें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है जो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें इस 28 जून से लेकर 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। कितनी है जी? 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 4 जुलाई, ठीक है जी, लास्ट डेट है, यानी कि अब 4 दिन शेष रह गए हैं। जल्द से जल्द आप अप्लाई कीजिएगा, देर मत कीजिए, क्योंकि आपके देर से हो सकता है आपकी पोस्टें भी रह जाएं, डिप्लोमा डिग्री ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर पोस्टें निकली हुई हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर नेचर, जॉब रोल लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्टार्टिंग लास्ट डेट लिखी है। बाकी आपको पैटर्न मैं समझा ही चुका हूँ, ठीक है। ये सारी पोस्टें हैं, अपना ये क्वालिफिकेशन जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें एक डार्क ग्रुप अटेंडेंट की भी पोस्ट है, जो कि ग्रुप डी की पोस्ट थी, ग्रुप सी की सॉरी, तो वो डार्क ग्रुप अटेंडेंट की भी इसमें पोस्ट ऐड कर दी गई है। उम्मीद करते हैं जी ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की बिग अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, आपके सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।